हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और वो है साइंस की। चलिए अब हम देखते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो एक ऐसी मशीन जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखी हो उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एफ एक्स हो आपके पास पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स। और ये जो रैशनल फंक्शंस होते हैं इनके अगर हम डोमेन की बात करें तो इनके डोमेन के लिए वो सभी एक्स की वैल्यूज जो इस डिनोमिनेटर क्यू एक्स को जीरो बना रही हो वो रियल नंबर्स में से हटानी होती है। जैसे सपोज एक फंक्शन लेते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो इसकी डोमेन होगी आर एक्सक्लूडिंग माइनस टू, क्योंकि माइनस टू से इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। या अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो इसकी डोमेन के लिए हमें रियल नंबर्स में से माइनस वन और टू हटाने चाहिए, तो इसकी डोमेन होगी आर माइनस माइनस वन एंड टू। इसमें ये जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है इसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। और हम इन रैशनल एक्सप्रेशन की साइन स्कीम कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स एक्स प्लस थ्री। सपोज इसकी साइन स्कीम लिखनी है तो पहले तो हम ये समझे कि इन साइन स्कीम का मीनिंग क्या है। साइन स्कीम का मतलब यह है कि हम एक नंबर लाइन पर पता कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जिनके लिए कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और वो कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जिनके लिए कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन स्कीम लिखने के लिए पहला स्टेप ये है कि हमें वो एक्स की वैल्यूज नोट करनी चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बना रही हो, और वो एक्स की वैल्यूज नोट कर लेते हैं जो इस एक्सप्रेशन जिनके लिए कि एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू माइनस रखने माइनस वन रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो बन जा रहा है, और एक्स की वैल्यू टू और माइनस थ्री रखने पर ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इन नंबर्स को सीक्वेंशियली इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले माइनस थ्री, फिर माइनस वन और टू। इनमें जिन नंबर्स पर ये जीरो बना था उनको हम नंबर लाइन पर इस तरह से डार्क मार्क कर लेते हैं, और जिन वैल्यूज एक्स की जिन वैल्यूज पर ये नॉट डिफाइंड था उन वैल्यूज पे हम इस तरह से हॉलो मार्क कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे तक इनमें डिफरेंस पता रहे कि कौन सी वैल्यूज पर ये एक्स बन कौन सी वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा था और कौन सी वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड था। इनको मार्क करने से ये पूरी नंबर लाइन कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो गई। जैसे माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री तक एक टुकड़ा हो गया, माइनस थ्री से माइनस वन तक एक, माइनस वन से टू तक एक, और टू से इंफिनिटी तक एक। अब साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इनमें से किसी भी टुकड़े पर इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन एक जैसा रहेगा, मतलब इस टुकड़े पर एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को इसमें रखने पर इस एक्सप्रेशन का साइन सेम रहेगा। इसी तरीके से आप कोई दूसरा टुकड़ा लेते हो तो इसमें जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उन सब पर इस एक्सप्रेशन का साइन एक जैसा रहेगा। अब अगर ये बात आप समझ जाते हो तो हमें बस यही तो करना है कि इनमें से किसी इस टुकड़े की किसी भी एक एक्स की वैल्यू को रख के पता कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, और वो हम यहां मार्क कर लेंगे। जैसे अगर हम इस टुकड़े की बात करें तो यहां से आप रैंडमली कोई भी एक एक्स की वैल्यू पिक करो। सपोज हमने लिया फोर, और आप यहां जहां पे भी एक्स आ रहा है यहां पे एक्स की जगह फोर रख के देखो तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस टुकड़े में जितने भी एक्स की वैल्यूज है उन सब पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से
इस टुकड़े में आप कोई भी एक x की वैल्यू ले लो, जैसे माइनस वन से टू के बीच में आप जीरो ले सकते हो, उस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख के और इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लो। तो जब आप x की वैल्यू को यहां रखते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आगे के टुकड़ों में भी हम चेक करेंगे। तो माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं x की, उनमें से कोई भी एक x की वैल्यू ले लो, जैसे माइनस टू, तो माइनस टू रखते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ गया। तो यहां हम मार्क कर लेते हैं। और माइनस थ्री से माइनस इंफिनिटी के बीच में अगर आप कोई नंबर लेते हो, सपोज माइनस फोर ले लेते हैं रैंडमली कोई सा भी, तो वो यहां रखते हो तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों चीजें नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने साइन स्कीम लिखी है इसको हम इस एक्सप्रेशन से रिलेट करके कैसे पढ़ेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या। यहां से हम ये कह सकते हैं कि वो सभी वैल्यूज जो इस इंटरवल में है माइनस थ्री से माइनस वन और टू से इंफिनिटी, उन सब पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री के बीच में और माइनस वन से टू के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। माइनस वन पर ये एक्सप्रेशन जीरो बनता है और माइनस थ्री और टू पर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये जो हमने साइन स्कीम बनाई है या ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका पर्पस क्या है। तो जब भी इस एक्सप्रेशन का जीरो के साथ कोई इनइक्वालिटी होगी, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इस एक्सप्रेशन की जीरो के साथ कोई इनइक्वालिटी होगी, जैसे कि ये ग्रेटर देन जीरो या ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर हम इस साइन स्कीम को देख करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अगर इसको देखें तो यहां ये बोल रहा है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब हुआ x की वो सारी वैल्यूज बताना जिसके लिए कि ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा है, यानी कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो यहां हम ये नंबर लाइन जो हमने साइन स्कीम बनाई है इसको एक बार मार्क कर लेते हैं फिर से। तो माइनस थ्री माइनस वन टू अब आपको इसके आंसर में वो x की वैल्यूज लिखनी है जिस जो कि इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना रही हो। और यहां से आप देखिए कि कौन सी x की वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, माइनस थ्री से माइनस वन और टू से इंफिनिटी। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस वन यूनियन टू से इंफिनिटी। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन जीरो, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो, तो इसका मतलब हमें आंसर में कौन सी एक्स की वैल्यूज देनी है, वो एक्स की वैल्यूज जिन पर की एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो नंबर लाइंस पे आपको दिख रहा है कि कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री तक ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है और माइनस वन से टू तक ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो माइनस इंफिनिटी से ओपन माइनस थ्री यूनियन ओपन इंटरवल माइनस वन से ओपन इंटरवल टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर साइन लगा हो ग्रेटर देन और इक्वल टू का तो उसका मतलब क्या है। तो अगर इस एक्सप्रेशन के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है तो यहां हमें पता करनी है वो सभी एक्स की वैल्यूज जिसके लिए कि एक्सप्रेशन या तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है या जीरो के बराबर या जीरो बन रहा है। तो अब यहां पे अगर हम फिर से एक बार इस साइन स्कीम को लिखें, तो पहले मार्क करते हैं कि भाई कहां कहां पर ये जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है ये इस इंटरवल में, और कहां ये जीरो बन रहा है, तो जीरो बन रहा है इस पे, तो इस आंसर में आपका माइनस वन भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है। तो यहां हम आंसर लिखेंगे माइनस थ्री ओपन से माइनस वन क्लोज्ड
यूनियन टू ओपन से इंफिनिटी। और बिल्कुल इसी तरीके से इसको सोचेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब x की वो सभी वैल्यूज पता करना जिन पर की ये एक्सप्रेशन नेगेटिव या जीरो है। तो नेगेटिव या जीरो कहां पर है? तो नेगेटिव तो है माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री और माइनस वन से टू, और जीरो कहां पर है? जीरो है माइनस वन पे, तो इस बार माइनस वन जो है वो हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज माइनस वन से ओपन इंटरवल टू। तो इस तरीके से हम साइन स्कीम यूज करके जीरो के साथ कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटी होगी तो उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो हमने ये साइन स्कीम वाला मेथड देखा, इसी का मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड और बताती हूं। जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम है, सेकंड स्टेप को करने का एक दूसरा तरीका जिसमें हमने ये मार्किंग की थी प्लस माइनस प्लस वाली। इसमें हम जैसे पिछले मेथड में हमने हर एक टुकड़े को चेक किया था कि कौन सा साइन आएगा, इसमें हम ऐसा ना करके किसी भी एक टुकड़े का चेक कर लेंगे कि उस टुकड़े में जो एक्स की वैल्यूज है उस पर इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा है। मैं प्रिफर करती हूँ सबसे राइट मोस्ट वाला मेथड, क्योंकि सबसे राइट मोस्ट वाले में यह है कि आप x की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रख के और इस एक्सप्रेशन का जो साइन है वो बहुत इजीली सोच सकते हो। जैसे यहां अगर हम x की बहुत बड़ी वैल्यू रख के देखें तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि उस बहुत बड़ी वैल्यू पर ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इधर तो साइन पॉजिटिव है। अब इसके बाद आगे के जो टुकड़े हैं उन पे बस इतना सोचना है कि यहां से यहां आते टाइम साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा। इसके लिए किस तरह से सोचेंगे वो समझिएगा। यहां से यहां आ रहे हैं तो ये पॉइंट है टू, और ये टू आया है किसकी वजह से? एक्स माइनस टू वाले फैक्टर की वजह से। जबकि इस टू के लेफ्ट या राइट में, मतलब इस टू के नेबरहुड में जो बाकी एक्सप्रेशन है उसके साइन तो एक जैसा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस टू की साइन स्कीम को एक बार अलग से डील करके देखते हैं कि x माइनस टू की साइन स्कीम क्या होगी। तो x माइनस टू में अगर आप साइन स्कीम लिखते हो तो इससे टू से बड़े नंबर्स के लिए ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और टू से छोटे नंबर्स के लिए ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो अगर ये एक्सप्रेशन टू को क्रॉस करते टाइम साइन चेंज कर रहा है तो यही रोल इसका वहां रहेगा, क्योंकि बाकी एक्सप्रेशन तो टू क्रॉस करते टाइम एक जैसे साइन का है। तो इसका मतलब यहां पर भी इसका साइन चेंज होगा। यहां पर मैं आपको एक बात और बताती हूं कि अगर इसके ऊपर कोई पावर लगी होती, सपोज x माइनस टू पे कोई भी एक ऑड पावर लगी होती, सपोज थ्री, तब भी तो इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम यही होती कि टू से बड़े नंबर्स के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता और टू से छोटे नंबर्स के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होता। और अगर इसमें कोई इवन पावर लगी होती, सपोज x माइनस टू होल टू दी पावर फोर, तो उस केस में टू से पहले ये पॉजिटिव होता और यहां टू के बाद भी, क्योंकि पावर इवन लगी हुई है फोर, तो टू के बाद भी ये पॉजिटिव होता। तो यहां से हम एक चीज जनरलाइज करते हैं कि अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस के ऊपर ऑड पावर लगी होती है तो साइन चेंज होता है, और इवन पावर लगी होती है तो साइन सेम रहता है। ये आगे तक इस तरह की बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको साइंस की साइन लगाने के लिए बहुत आसानी रहेगी, आप आसानी से सोच पाएंगे। अब जैसे यहां चलते हैं तो माइनस वन आया है इस फैक्टर की वजह से, इसकी पावर ऑड है तो यहां साइन चेंज होगा, ऑड पावर है तो चेंज होगा, इवन पावर है तो चेंज नहीं होगा। माइनस थ्री ऑड पावर तो चेंज होगा। तो वही साइन स्कीम हम इस तरीके से भी सोच के लिख सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी, मतलब ये मैंने चार क्वेश्चंस लिखे हैं। दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व करना है, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो, और इस तरह से चार क्वेश्चंस। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम लिखेंगे और एक एक करके चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप होता है
जो वैल्यूज इसको जीरो बना रही हो वो नोट कर लेते हैं और जो वैल्यूज इसको नॉट डिफाइंड कर रही हो वो नोट कर लेते हैं, उन्हें सीक्वेंशियली मार्क कर देते हैं। राइट मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहां प्लस मार्क कर लिया। टू एक्स माइनस टू होल टू दी पावर फोर, तो क्योंकि इवन पावर है तो यहां साइन चेंज होगा या नहीं होगा, इवन पावर है तो नहीं होगा, तो यहां प्लस आ जाएगा। माइनस वन इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर ऑड है, पावर ऑड मतलब साइन चेंज। माइनस थ्री इस फैक्टर से आया है, पावर ऑड मतलब साइन चेंज। तो ये साइन स्कीम हमने बना ली, अब एक एक करके इन चारों का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले इसमें हमसे पूछा गया है वो x की वैल्यूज निकालना जो इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो बना रही हो। तो ग्रेटर देन जीरो यहां और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो यहां भी है और इक्वल टू जीरो बन रहा है यहां, तो यहां ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां से अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं, ये मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रही हूं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री ओपन यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी, लेकिन रास्ते में से टू हट रहा है, इस आंसर में से टू हट रहा है। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप लिख सकते हो माइनस, या तो आप लिख सकते हो माइनस वन क्लोज से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग टू, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस वन क्लोज से टू ओपन यूनियन टू ओपन से इंफिनिटी। मैं दोनों तरीके से आपको लिख के बता देती हूं, माइनस वन क्लोज से टू ओपन और फिर यूनियन टू ओपन से इंफिनिटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग टू। इस तरीके से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें पूछा गया है कि वो x की वैल्यूज बताइए जिससे कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव ये एक्सप्रेशन है, माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री प्लस साइन आ रहा है, माइनस वन ओपन से टू ओपन और फिर टू से इंफिनिटी। तो यहां हमारे आंसर में ये जो हमने यहां माइनस वन इंक्लूड किया हुआ था पिछले आंसर में, ये हट जाएगा और सेकंड पार्ट जो आंसर है सेकंड पार्ट का वो हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन ओपन माइनस वन टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग टू। या जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आप टू पे इस तरह से भी लिख सकते हो। लेस देन जीरो, तो अब वो एक्स की वैल्यूज बताइए जिसके लिए कि एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है यहां, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है माइनस थ्री से माइनस वन तक। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस वन ओपन इंटरवल, और फोर्थ पार्ट लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो लेस देन जीरो है माइनस थ्री से माइनस वन और यहां इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो है माइनस वन पे, तो वो हमारे आंसर में इंक्लूड कर लेंगे हम और आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस वन क्लोज्ड। अब हम जो रैशनल एक्सप्रेशंस है उनकी साइन स्कीम तो लिखना देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की साइन स्कीम लिखना, और वो तो और इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें ऐसी एक्स की वैल्यूज तो होंगी नहीं जो उसको नॉट डिफाइंड बना रही होंगी, सिर्फ वो एक्स की वैल्यूज हो सकती है जो उसको जीरो बना रही हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है उनकी साइन स्कीम से। तो इतना तो आप लोअर क्लास में जानते हो, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं इक्वल्स टू जीरो, जिसमें ए बी और सी रियल कोफिशियंट्स है और इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
और ये आप जानते हो कि अगर d ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, d इक्वल टू जीरो होता है तो इसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर d लेस देन जीरो होता है तो इसके रियल रूट्स नहीं होते। तो यहां मैं आपके सामने कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रखती हूं और फिर हम उनकी साइन स्कीम लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे मैं तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी आपके सामने रखती हूं, एक एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहां अगर आप गौर करें तो इसका d ग्रेटर देन जीरो है, इसका d इक्वल टू जीरो है, और इसका d लेस देन जीरो है। नंबर लाइन पर हम सबसे पहले वो पॉइंट्स मार्क करते हैं जहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो। तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है टू और थ्री पे, तो इस केस में मैंने टू और थ्री मार्क कर लिए जहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है, और ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है वन पे, वन मार्क कर लेते हैं। और इस एक्सप्रेशन का क्योंकि d नेगेटिव है तो कोई भी वैल्यू x की ऐसी नहीं है जो इसको जीरो बना रही है। अब इनकी साइन स्कीम देखते हैं। यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे राइट मोस्ट जो राइट मोस्ट टुकड़ा है, यहां पे x की बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को सोचते हैं। x की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और फिर उसमें यहां आप वैल्यू रखोगे तो हम ये फील कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां आपने प्लस साइन लगाया। अब यहां इसके बाद आप इसके अगर फैक्टर्स बनाते हो, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट्स है तो फैक्टर्स तो बनेंगे ही, x माइनस अल्फा पहला रूट, x माइनस बीटा दूसरा रूट, तो जो दोनों फैक्टर्स है उनकी पावर वन वन, मतलब ऑड पावर है। और अभी हमने देखा कि अगर इस तरह के फैक्टर्स की पावर ऑड होती है तो यहां पर साइन चेंज हो जाता है, तो थ्री क्रॉस करते टाइम भी साइन चेंज हो जाएगा और माइनस से फिर वो वापस प्लस हो जाएगा जब आप टू को क्रॉस करोगे। तो ये इसकी साइन स्कीम हो गई। इसकी साइन स्कीम लिखे तो x की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप देख सकते हो कि x की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो यहां प्लस लगाते हैं। अब आप सोच के बताइए कि वन को क्रॉस करते टाइम साइन चेंज होगा या नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था, आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर मतलब इवन पावर, और इवन पावर का मतलब साइन चेंज नहीं होता, साइन सेम रहता है, तो ये प्लस रहेगा। और यहां तो आप x की कोई भी वैल्यू रखो ये एक्सप्रेशन थ्रू आउट पॉजिटिव ही आ रहा है। यहीं पर मैं आपको तीन एक्सप्रेशन और लिख के बताती हूं जो मैंने इन्हीं के नेगेटिव लिखे हुए हैं। जैसे एक ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, एक लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, और एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। और अब एक बार इनकी साइन स्कीम अगर हम देखें तो इसके भी रूट्स टू और थ्री है, तो टू और थ्री पे ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है। अब यहां अगर आप सबसे राइट मोस्ट वाला पार्ट चेक करो, मतलब सबसे राइट मोस्ट वाले टुकड़े की वैल्यू चेक करो, तो कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू आप यहां रखोगे तो उसके स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। और आगे वही बात है, इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे तो हर फैक्टर, जैसे अगर इसके रूट्स टू और थ्री हैं तो दोनों की पावर वन है, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा और इस फैक्टर के टाइम पे भी साइन चेंज हो जाएगा। ये है होल स्क्वायर, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो एक तरह से माइनस टाइम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये जीरो बन रहा है वन पे। यहां अगर आप वैल्यू चेक करते हो तो x की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए, यहां आप x की बहुत बड़ी वैल्यू रख के देखो पॉजिटिव वैल्यू, इस माइनस की वजह से वो वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां नेगेटिव, और क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है इवन पावर तो ये भी नेगेटिव। और इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन कोई भी आप वैल्यू यहां रख के देखो तो ये नेगेटिव ही आ रहा है, तो थ्रू आउट ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा। इस पूरी बात को एक साथ कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब d ग्रेटर देन जीरो है जो कि इसमें और इसमें हुआ,
तो उस केस में अगर लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है तो आप साइन स्कीम याद रखिए प्लस माइनस प्लस, और दो रूट्स के केस में लीडिंग कोफिशियंट नेगेटिव है तो साइन स्कीम हो जाएगी माइनस प्लस माइनस। अगर दोनों रूट सेम है मतलब डी जीरो है जो इस केस में और इस केस में हुआ है, तो उस केस में अगर लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है तो उस रूट के दोनों तरफ एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, और अगर लीडिंग कोफिशियंट नेगेटिव है तो उस रूट के दोनों तरफ एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा। यानी इस केस में साइन स्कीम होगी प्लस प्लस और इस केस में साइन स्कीम हो जाएगी माइनस माइनस। और अब जो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव, जैसे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहां लिख लेती हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो जैसा कि इस केस में हुआ, तो ये हर एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और यहां पर ए नेगेटिव यानी लीडिंग कोफिशियंट नेगेटिव और डी नेगेटिव है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव होगा एक्स की हर वैल्यू के लिए जब ए नेगेटिव हो और उसका डी भी नेगेटिव हो। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो आप बहुत ही इजीली उसकी साइन स्कीम लिख पाओगे। चलिए अब हम इनइक्वालिटीज में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो हम सबसे पहले नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स मार्क करेंगे जो इसको जीरो बना रहे हो, सीक्वेंशियली मार्क करेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स इसको जीरो बना रहे हैं? माइनस टू, वन और फाइव। तो आप नंबर लाइन बनाओ और उस पे माइनस टू, वन और फाइव मार्क कर दो। अब देखिए इसकी साइन स्कीम सोचना कितना इजी है। सबसे राइट मोस्ट वाला पार्ट लेते हैं, एक्स की कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू यहां रख के देखो, तो एक्स की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और सबके हर ब्रैकेट के ऊपर पावर ऑड लग रही है, वन पावर है मतलब ऑड है, तो हर बार साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस। तो इतना इजीली हमने इनकी साइन स्कीम लिख ली। अब हमें आंसर में कौन सी वैल्यूज चाहिए? एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो बना रही हो, मतलब जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या जीरो बना रही हो। तो पॉजिटिव बना रही है ये इंटरवेल में और जीरो इन दो पॉइंट्स पे, और पॉजिटिव बन रहा है फाइव से आगे, फाइव पे जीरो। तो मैंने ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लिए क्योंकि हमें वो वैल्यू भी आंसर करनी है जिन पे ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा हो। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टू से वन क्लोज्ड यूनियन फाइव से इंफिनिटी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसी में मैं एक वेरिएशन कर देती हूँ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इनमें कुछ पावर्स लगाते हैं। सपोज क्वेश्चन है एक्स माइनस वन टू दी पावर फोर, एक्स प्लस टू टू दी पावर 75 एंड एक्स माइनस फाइव टू दी पावर 17 लेस देन जीरो, ये आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे जीरोज मार्क करते हैं, तो इसके जीरोज हैं माइनस टू, वन और फाइव। तो माइनस टू, वन और फाइव, सबसे राइट मोस्ट पार्ट का साइन चेक करें तो एक्स की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए ये सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव आ गया। अब फाइव मतलब ये वाला फैक्टर जिसकी पावर ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा, तो इसको क्रॉस करते टाइम साइन चेंज कर लीजिए। वन मतलब ये फैक्टर जिसकी पावर इवन है, तो यहां साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस माइनस ही रह जाएगा। और माइनस टू मतलब ये फैक्टर से आया है जिसकी पावर ऑड है, फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी साइन स्कीम लिखी। अब हमें आंसर कौन से एक्स की वैल्यूज देनी है? वो वैल्यूज देनी है जो इस एक्सप्रेशन को
लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव बना रही हूं, तो जहां जहां आपने माइनस साइन लगाया है वो x की वैल्यूज हमारे आंसर है। तो माइनस साइन है यहां से यहां तक और 1 से 5 तक, इसमें हम माइनस 2, 1 और 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि इन नंबर्स पर ये एक्सप्रेशन जीरो के बराबर है और यहाँ पे जीरो के बराबर यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, तो हम सिर्फ वो इंटरवल्स आंसर कर रहे हैं जहां पर ये सिर्फ नेगेटिव है। तो आंसर को लिखेंगे माइनस 2 से 5 ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग 1, या फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया माइनस 2 से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 5 ओपन इंटरवल। एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 से 5 एक्सक्लूडिंग 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक ही तरीका आपको यूज करना है, माइनस 2 से 1 यूनियन 1 से 5। हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे ये चार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमें वो x की वैल्यूज पता करनी होंगी जिन पर की एक्सप्रेशन जीरो या नॉट डिफाइंड है। यहां से स्टार्ट करें तो इसका तो d नेगेटिव है, तो यहां से इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा, मतलब कोई वैल्यूज को जीरो नहीं बना रही। इसकी बात करें तो इसका d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है मतलब दो रूट इसके निकाल सकते हैं जो इसको जीरो बना रहे हो, तो वो लिख देते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। यहां पर आए तो इसका d नेगेटिव है, मतलब कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसको जीरो बना रहा है, और इसका डी चेक करते हो तो वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फिर दो रियल नंबर्स हैं जो इसको जीरो बना रहे हैं। इसको जीरो बना रहे हैं मतलब उस पर ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा, तो वो नंबर्स हम लिख लेते हैं, वो है 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। अब इन चारों नंबर्स को हम नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे सिक्वेंशियली, सबसे छोटे नंबर से लेकर सबसे बड़े तक। तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर है माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2, तो वो मार्क कर लेते हैं। और इस नंबर, ये नंबर था इसको जीरो बनाने वाला, मतलब इस पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है, तो इसको डार्क मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा और उससे नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा और उससे नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा लेंगे। तो इससे बड़ा नंबर हमारे पास अगला है 1 माइनस रूट 5 बाय 2। इस नंबर पर क्योंकि ये जीरो बन रहा था, मतलब ये नॉट डिफाइंड है, तो इसको हॉलो बना लेते हैं। इससे बड़े नंबर पर आए तो वो है रूट 5 माइनस 1 बाय 2। यहां पर इसको डार्क बना लेते हैं। और सबसे बड़ा नंबर 1 प्लस रूट 5 बाय 2, ये इसको जीरो बना रहा था डिनोमिनेटर को, तो यहां हम ओपन बना लेते हैं। इसके बाद हमें इसकी साइन स्कीम लिखनी है। सबसे राइट मोस्ट पार्ट की बात करें तो वहां x की बहुत बड़ी वैल्यू आप ले लेते हो, तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं सबके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो x की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहां हम प्लस मार्क कर लेते हैं। और अगर आप आगे ध्यान दो तो ये सारे पॉइंट्स इनसे आए हैं, और ये जो दो एक्सप्रेशन हैं इनके डी पॉजिटिव थे, और अभी हमने इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा उसमें हमने देखा था कि जिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का डी पॉजिटिव था वो साइन चेंज करा रहे थे अपने अगले हर रूट पर, तो इन सभी पे बारी बारी से साइन चेंज होगा, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और इनमें से हमें आंसर वो चाहिए जो इस पूरे एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव या जीरो के बराबर बना रहा हो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव बना रहा है ये, जीरो बना रहा है ये, यहां तक फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव है, जहां जहां जीरो बन रहा है वो भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, और यहां पॉजिटिव है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2 क्लोज्ड यूनियन ओपन 1 माइनस रूट 5 बाय 2 से माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2 क्लोज यूनियन ओपन 1 प्लस रूट 5 बाय 2 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
चलिए अब हम कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज देखते हैं जिसमें दूसरी तरफ जीरो ना लिख करके कुछ और एक्सप्रेशन लिखा हो, जो कोई नॉन जीरो वैल्यू हो या कोई दूसरा रैशनल एक्सप्रेशन हो। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व x माइनस वन अपॉन x प्लस टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री। इससे पहले हमारे पास यहाँ जीरो था तो हम सिंपली इसकी साइन स्कीम बनाकर और आंसर सोच पा रहे थे, बट अब यहाँ थ्री है तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि x प्लस टू को वहां ले जाते हैं, तो ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप वहां तभी ले जा सकते हो जब वो वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तभी ले जा सकते हो, बट उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बट यहां आप देख पा रहे हो कि x की कुछ वैल्यूज के लिए तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और x की कुछ वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो इसको आप वहां नहीं लेके जा सकते। तो अब क्या करें? अब इस केस में हम थ्री को यहां शिफ्ट करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस वन अपॉन x प्लस टू माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो, और अब एलसीएम लेके प्रोसीड करेंगे। अब उधर जीरो आ ही चुका है तो नॉर्मल तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम लिया आपने x प्लस टू, यहां आ गया x माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स मार्क करते हैं जहां पर ये जीरो और नॉट डिफाइंड हो, तो ये जीरो है माइनस सेवन बाय टू पे और डॉट डिफाइंड है माइनस टू पे, तो माइनस सेवन बाय टू पे जीरो बना लेते हैं मतलब डार्क, और माइनस टू पे ये नॉट डिफाइंड है तो यहां बना लेते हैं हॉल। सबसे राइट मोस्ट का साइन चेक करें तो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव। तो यहां माइनस, सब ऑड पावर के साथ अगर कर रहे हैं तो साइन चेंज होता चला जाएगा। हमें आंसर में देने हैं वो एक्स की वैल्यूज जो कि इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव या जीरो बना रही हो, तो नेगेटिव और जीरो बनाने वाली वैल्यूज ये है और यहां पर भी नेगेटिव बनाने वाली वैल्यूज। तो फाइनली हम इसका आंसर बोलेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस सेवन बाय टू क्लोज्ड इंटरवल यूनियन टू ओपन से इंफिनिटी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा कर ले जिसमें यहां कोई रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा हो, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव। अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो कि x प्लस टू को यहां मल्टीप्लाई कर दें और x प्लस थ्री को यहां? वो भी नहीं कर सकते, और उसका रीजन भी सेम है कि x की कुछ वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, सेम यही बात यहां पर है। तो यहां आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पे भी हमें वही करना पड़ेगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर माइनस साइन के साथ लेके आना पड़ेगा। जैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन और इक्वल टू जीरो, और अब इसको आगे प्रोसीड करना होगा। तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस, यहां इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन माइनस टू फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव लेस देन और इक्वल टू जीरो। और अब वही नॉर्मल तरीके से साइंस की मेथड लगा के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। पहले वो पॉइंट मार्क करते हैं जो इसको जीरो बना रहा हो, वो है माइनस वन बाय फाइव, और जो इसको नॉट डिफाइंड बना रहे हो वो है माइनस टू एंड माइनस फाइव। सीक्वेंशली चले तो माइनस फाइव माइनस टू और फिर माइनस वन बाय फाइव। माइनस वन बाय फाइव पे ये जीरो है और इन पे नॉट डिफाइंड। बहुत बड़ी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले ले तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि सभी ऑड पावर्स के साथ अकर कर रहे हैं।
आंसर में हमें वो वैल्यूज देनी है जो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव या जीरो बना रही हो। तो नेगेटिव या जीरो यहां और नेगेटिव यहां। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू यूनियन माइनस टू से माइनस वन बाय फाइव क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा और वहां जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, कोई नॉन जीरो वैल्यू है। यहां अगर आप सोच रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को वहां मल्टीप्लाई कर ले जाके वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी कभी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, तो उन केसेस में आप ऐसा कर तो सकते हो, बट ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इनकी साइन स्कीम लिखनी होती है। तो अगर ये वहां जहां भी रहे हैं तो जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां जो भी वैल्यू है उसको यहां शिफ्ट कर दीजिए और प्रोसीड कर लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस तरह से वन को यहां शिफ्ट करके अब इसको प्रोसीड करेंगे। एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये सिंप्लीफाई होके बन रहा है माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहां हम वो वैल्यूज पता करेंगे जहां पर ये जीरो और नॉट डिफाइंड है और उसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जीरो है वन पे और ये जीरो है, इसके लिए इसके रूट्स लिख लेते हैं, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। और अब इसको सीक्वेंशियली नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू, उससे बड़ी वैल्यू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू और सबसे बड़ी वैल्यू वन। इन दोनों पर ये नॉट डिफाइंड है तो इसको हॉलो बना देते हैं और इस पर ये जीरो है तो इसको डार्क बना देते हैं। एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये नेगेटिव होगा। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हो इसके दो लीनियर फैक्टर्स और सब ऑड पावर के साथ है, तो हर एक पॉइंट पे इंटर साइन चेंज होता चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस। और हमें आंसर करनी है वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिन पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव या जीरो है। तो पॉजिटिव है यहां और यहां और इस जगह जीरो। तो फाइनल आंसर इसका हम लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू यूनियन ओपन माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू से वन क्लोज्ड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री होल टू दी पावर फोर अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल टू दी पावर सिक्स इंटू माइनस एक्स माइनस फोर। इसके करस्पॉन्डिंग चार क्वेश्चंस बनाए हुए, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। तो वही सबसे पहले हम पॉइंट्स मार्क करते हैं जहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो और नॉट डिफाइंड है। जीरो है ये वन और माइनस थ्री पे और नॉट डिफाइंड है ये वन थ्री और माइनस फोर पे। अब यहां एक बात आप अगर गौर करें तो ये वन दो बार आया है, इधर भी जो इसको जीरो बना रहा है और इधर भी जहां पर ये नॉट डिफाइंड है। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी वैल्यू ऑफ एक्स पर कोई एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है तो वहां पर हम हॉलो ही मार्क करेंगे, चाहे उस वैल्यू पे वो एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। और दूसरी बात ये कि कभी अगर ऐसा हो रहा हो कि आपको एक वैल्यू एक से ज्यादा बार दिख रही है, जैसे यहां दिख रही है, तो जब हम नंबर लाइन पे इस वैल्यू को क्रॉस करेंगे तो यहां हमें बहुत केयरफुल रहना है। तो
तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। तो अगर हम सीक्वेंशियली चले तो -4, -3, 1 और 3, जिसमें 1, 3 और -4 पे हॉलो है, 3, 1 और -4 पे हॉलो है, और -3 पे ये जीरो बन रहा है। अब इनका साइन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे राइट मोस्ट पार्ट में x की कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले लें, तो x की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया। 3 को क्रॉस करते टाइम 3 इस फैक्टर की वजह से आया है और इसकी पावर इवन है, तो इवन पावर मतलब नो चेंज, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। अब आ गया 1 वही है जो एक से ज्यादा बार आ रहा था, तो यहां हमें केयरफुल रहना है। और अब इधर साइन डिसाइड करने के लिए, 1 को क्रॉस करते टाइम इसका साइन चेक करने के लिए सेफ तरीका तो ये है कि आप इस इंटरवल का कोई एक एक्स की वैल्यू यहां रख के और इसका साइन चेक कर लो। तो जैसे -3 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 0 लिया, और 0 को यहां रखते हो तो x की वैल्यू 0 रखने पर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, तो ओवरऑल इन दो के नेगेटिव और बाकी सबके पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां प्लस साइन आ गया। तो एक तरीका तो ये है। यहां इस क्वेश्चन में क्योंकि ये जो 1 है ये इन एक्सप्रेशन से आ रहा है जिनका नेचर एक जैसा है, तो यहां हम एक तरीके से और सोच सकते हैं कि या ऊपर है न्यूमरेटर में एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और नीचे है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो नेट इफेक्ट है पावर का वो है 1, जो कि ऑड है, और ऑड पावर मतलब साइन चेंज, तो यहां हम माइनस से प्लस कर देंगे। यहां अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्स माइनस 1 को कैंसिल कर दोगे ऊपर नीचे, तो वो गलत होगा, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो ये हट जाएगा और यहां से आपका 1 हॉलो होने वाली बात मिस हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। अब आगे आप बढ़ते हैं और -3 में क्रॉस करते टाइम -3 आया है इस फैक्टर की वजह से और इसकी पावर भी इवन थी, इवन पावर मतलब नो चेंज, तो ये प्लस ही रहेगा। और -4 आया है इस फैक्टर की वजह से, इसकी पावर ऑड है तो चेंज। चलिए अब इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव या जीरो हो। तो पॉजिटिव है ये -4 से -3 और -3 से 1, और जीरो है -3 पे, तो -3 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो सीधे -4 से 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास, इट बिलोंग्स टू -4 से 1। सेकेंड पार्ट में हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना रही है। तो पॉजिटिव बनाने वाली वैल्यूज है -4 से -3 और फिर -3 से 1, और -3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -3 पे ये जीरो बन रहा है और यहां इक्वालिटी नहीं लगी। तो आंसर हो जाएगा -4 से 1 एक्सक्लूडिंग -3। अगले पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को लेस देन जीरो यानी नेगेटिव और इक्वल टू जीरो बना रही हो। तो नेगेटिव बना रही है -∞ से -4, और नेगेटिव बना रही है 1 से 3, और नेगेटिव बना रही है 3 से इंफिनिटी, क्योंकि यहां इक्वालिटी लगी हुई है तो वो पॉइंट्स भी इंक्लूड करेंगे जहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो, और ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है -3 पे, तो यहां पे -3 भी इंक्लूड कर लेंगे। और अब फाइनल आंसर हम देंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -4, फिर ये वाला इंटरवल दे देते हैं यूनियन 1 से 3, यूनियन 3 से इंफिनिटी, लेकिन हमें इसमें एक एक्स्ट्रा -3 भी आंसर में ऐड करना है, तो यूनियन और सेट कर्ली ब्रैकेट बना के -3 इस फॉर्म में लिख देंगे। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट में हमें वो x की वैल्यूज आंसर करनी है जो इस एक्सप्रेशन को लेस देन जीरो बना रही हो. तो एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है माइनस फोर से छोटे के लिए और माइनस वन से थ्री और थ्री से इंफिनिटी, सॉरी वन से थ्री और थ्री से इंफिनिटी, वन से थ्री और थ्री से इंफिनिटी. तो ये आंसर हो गया हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर यूनियन वन से थ्री यूनियन थ्री से इंफिनिटी. इस तरीके से आप रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो. आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.